दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आई भारी गिरावट। 24 घंटों में भारत में मिले सिर्फ 25,404 नए मरीज, वही 340 लोगों की गई जान। दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वही बीते 24 घंटों में देश में 25,404 नए मरीज मिले हैं और इसी दौरान 340 महामारी संक्रमितों की मौत हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों देश में 3,62,207 मरीजों का इलाज चल रहा है और नए आंकड़ों को मिलाकर कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,32,79,570 हो गई है। वहीं दोस्तों अब तक 4,43,213 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों अब केरल में भी कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है बड़ा अलर्ट। अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो बढ़ जाएंगी आपकी मुश्किलें, नहीं कर पाएंगे गाड़ी से जुड़े ये जरूरी काम। दोस्तों हाल ही में कई राज्यों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अपनी गाड़ी पर लगाने को अनिवार्य कर दिया है, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना ना तो आप गाड़ी चला सकते हैं ना ही उससे जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। इसलिए आपने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई तो ये काम पहले करा लें। दोस्तों आपको बता दें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में HSRP होलोग्राम स्टिकर लगा होता है, जिस पर गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर लगे होते हैं। वही नंबर प्लेट एक पिन की तरह होती है जो आपके वाहन से कनेक्ट हो जाती है और एक बार जब ये पिन आपके वाहन से प्लेट से पकड़ लेती है तो ये दोनों तरफ से लॉक हो जाती है और किसी से भी नहीं खुलती। वही इसका साफ मतलब होता है कि आपके नंबर प्लेट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वहीं दोस्तों आपको बता दें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर आप वाहन के पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, ना ही अपना पता परिवर्तन कर पाएंगे, ना ही आप इससे जुड़े परमिट ले पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो तुरंत लगवा लें, नहीं तो आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वालों के लिए बड़ी खबर। 2 महीने बाद कम होने लगती है एंटीबॉडीज, स्टडीज में हुआ खुलासा। दोस्तों कोविड के खिलाफ कोवैक्सीन प्राप्त कर चुके लोगों में एंटीबॉडीज 2 महीने के बाद कम होने लगती है। वहीं कोविशील्ड का डोज लेने वालों में एंटीबॉडी का स्तर 3 महीने बाद कम होने लगता है। इस बात की जानकारी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के भुवनेश्वर स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्टडी में मिली है। वहीं दोस्तों देश में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के इन 2 उम्मीदवारों का इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा किया जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार एक डॉक्टर ने बताया कि स्टडी के लिए 614 प्रतिभागियों के नमूने इकट्ठे किए गए थे, जिनमें से 308 प्रतिभागी यानी 50% ने कोविशील्ड प्राप्त की थी, जबकि 306 यानी 49% प्रतिभागियों को कोवैक्सीन लगी थी। वहीं जांच में ये पाया गया कि कोवैक्सीन लगने वालों को 2 महीने तक एंटीबॉडीज रहती है, वहीं कोविशील्ड लगने वालों को 3 महीने तक एंटीबॉडीज रहती है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है राहत भरी खबर। बच्चों पर खतरनाक साबित नहीं होगी कोरोना की तीसरी लहर, जानिए क्या है वजह। दोस्तों देश भर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कोरोना के मामलों के बीच एक राहत की खबर आई है। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर उतनी खतरनाक नहीं होने वाली है। वहीं सीरो सर्वे के अनुसार 2,700 बच्चों पर किए गए सर्वेक्षण में 71% बच्चों के नमूनों में एंटीबॉडी पाई गई है। वहीं ये सर्वेक्षण दर्शाता है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर असमान रूप से प्रभावी नहीं होगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि सभी नमूने चंडीगढ़ के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और झुग्गी वासों से एकत्रित किए गए हैं। वहीं इसी टेस्ट में 73% बच्चों में सर्वे के दौरान एंटीबॉडी पाई गई, जो कि एक बेहद ही अच्छी खबर है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है नई गाड़ी के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना अभी जरूरी नहीं, मद्रास हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में करेगा बदलाव। दोस्तों नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। मद्रास हाई कोर्ट को नई गाड़ी खरीदने पर 5 साल का बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस का ऑर्डर अभी जरूरी नहीं होगा। वहीं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के संगठन, ऑटो कंपनियां, इंश्योरेंस एजेंट के संगठनों की दलीलों को मानते हुए मद्रास हाई कोर्ट 4 अगस्त के अपने ऑर्डर के अंदर बदलाव करेगा और 5 साल के लिए एक साथ इंश्योरेंस जरूरी शर्तों को हटाएगा। वहीं दोस्तों हाई कोर्ट ने 13 सितंबर की सुनवाई के दौरान साफ किया है कि उसका मकसद सिर्फ पैसेंजर की सुरक्षा है, बाकी कोई कोर्ट का उद्देश्य नहीं है। वहीं हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि पुराने ऑर्डर में कोर्ट के सुझावों को शामिल किया जाएगा और जरूरी करने जैसे नियम को कानून बनाने वाली संसद पर छोड़ा जाएगा। वहीं दोस्तों नई गाड़ी को खरीद पर 5 साल तक जरूरी बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेने पर गाड़ियों की कीमतों में 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक का बड़ा इजाफा हो रहा था, जिसका विरोध ऑटो कंपनियों ने भी किया था। वहीं अब हाई कोर्ट के आदेश में बदलाव के बाद नई गाड़ी खरीदने वालों को राहत मिलेगी और उन पर इंश्योरेंस का बड़ा भार नहीं पड़ेगा और हाई कोर्ट की ओर से अगस्त के ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है अब खत्म होने को है वर्क फ्रॉम होम। TCS विप्रो समेत कई IT कंपनियों ने स्टाफ को दफ्तर बुलाना कर दिया शुरू। दोस्तों महामारी वायरस का प्रकोप अभी भी पूरी दुनिया में जारी है। वहीं भारत में अब हर दिन बड़ी संख्या में नए कोरोना पॉजिटिव
के सामने आ रहे हैं। वहीं महामारी वायरस के फैलने की रफ्तार को थामने और अपने कर्मचारियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शुरू कर दी थी। वहीं अब जैसे जैसे कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे आईटी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम खत्म करके अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुलाना शुरू कर दिया है। दोस्तों कुछ कंपनियां स्टाफ को सप्ताह में 3 दिन दफ्तर आकर काम करने के लिए भी कह रही है। वहीं देश की बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, विप्रो और एप्पल ने कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट होने के साथ अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया है। वहीं विप्रो ने कहा है कि करीब 18 के महीने के बाद उसके कर्मचारियों ने सोमवार यानी 13 सितंबर 2021 से ऑफिस आना शुरू कर दिया है और पूरी तरह से वैक्सीनेशन लगवा चुके कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन ऑफिस आने की अनुमति दी गई है। वहीं TCS ने कहा है कि उसके 50 लाख स्टाफ में से 70-80% स्टाफ इस साल 2021 के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में ऑफिस आने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह बाकी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, कैप्टन अमरिंदर को राकेश टिकैत की दो टूक। बोले किसान आंदोलन से दिक्कत है तो पंजाब जत्थेबादियों से करे बात। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने करारा जवाब दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कैप्टन के बयान को कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा बताया है। बाकियों नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि विपक्ष को किसानों के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। टिकैत ने यह भी कहा है कि किसी पर कोई भी अत्याचार हो तो उसके खिलाफ विपक्ष को आंदोलन का हिस्सा रहना चाहिए। वहीं बीजेपी विपक्ष में थी तो आंदोलन के साथ रहती थी। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को राज्य में किसान आंदोलन से कोई दिक्कत है तो वह पंजाब के जत्थेबंदियों से बातचीत कर सकते हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि अब साफ है कि कांग्रेस हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। बीजेपी भी कह रही है कि किसान आंदोलन कांग्रेस चला रही है। वहीं कैप्टन के बयान से अब साफ हो गया कि किसान आंदोलन को किसान ही चला रहे हैं। वहीं दोस्तों गौरतलब है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने एक कार्यक्रम में बयान देते हुए कहा था कि पंजाब में 113 जगहों पर धरने हो रहे हैं जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है और किसानों को अगर धरना देना है तो वो हरियाणा दिल्ली में दे। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में कई राज्यों के किसान लगभग। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अलर्ट, इन राज्यों में होने वाली है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। दोस्तों मौसम विभाग ने मानसून पर नया अपडेट जारी किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में मूसलाधार भारी बारिश पूर्वानुमान जताया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोस्टल कर्नाटक, तमिलनाडु के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं इससे पहले गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, खासकर राजकोट और जामनगर में भारी बारिश बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दोस्तों मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, देवबा, गणगौ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश गरज के साथ छींटे तथा तेज बारिश हो सकती है। वहीं कोस्टल कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान है। दोस्तों मौसम विभाग ने ओडिशा में बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। भुवनेश्वर में 63 साल में पहली बार इतनी अधिक बारिश हुई है। इससे पहले 9 सितंबर 1958 को भुवनेश्वर में 163 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं मौसम विभाग ने 13 जिलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में मूसलाधार भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे, रत्नगिरी, पुणे, सतारा और कोल्हापुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कोंकण रीजन के साथ साथ गोवा में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। दोस्तों राजकोट, गुजरात के अधिकांश तहसील में भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक लोधिका तहसील में 435 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ ऊपरी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, कोंकण और गोवा, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, सिक्किम और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार और राजस्थान के शेष हिस्सों में 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है।